गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लेसन 6 पढ़ेंगे बेटे, माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स माउंटेनियर्स की हम देखेंगे पर्वत आरोही, वो लोग जो उच्चे पहाड़ों के ऊपर चढ़ते नेंगे, जो पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं। तुसी सब ने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुनिया होनेगा, ठीक है। तो ये वो लोग नेंगे बेटे माउंटेनियर्स, कल माउंट एवरेस्ट नहीं, होर बहुत सारिया उच्चिया पहाड़ियों के उपर चढ़न वाले जिहड़े लोग होंदे नेंगे एडवेंचरस पीपल, उन्होंने माउंटेनियर्स कहा जाता है। पंजाबी दे विच वर्ड है पर्वत आरोही। देखो इस पिक्चर दे विच तुहानू क्लीयर होएगा, आ सारे लोग जिहड़े हैगे ने एक बहुत उच्चे पहाड़ी शिखर के उपर जा रहे नेंगे, ठीक है। रस्ता बनिया होएगा, देखो बर्फ के नाल भरिया होया पहाड़ हैगा, तो इन्हों बेटे माउंटेनियर्स कहा जाता है। माउंटेन के उपर चढ़न वाला, पहाड़ों के उपर चढ़न वाले माउंटेनियर्स। तो आप पढ़ते हैं बेटे अज इदा के ही कुछ माउंटेनियर्स के बारे। एक पिक्चर देख रहे हो तुम कैप्टन अवतार सिंह चीमा। तो जो आप पढ़ रहे हैं बेटे माउंटेनियर्स के बारे, तो जरूर बेटे ये भी कोई इदा की ही परसनैलिटी ने जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट न सर किया, माउंट एवरेस्ट के उपर जित प्राप्त की है। Mount Everest is the highest point on the planet at 29028 feet above sea level. Mount Everest दुनिया के ऊपर, देखो planet लिखिया बेटे, planet का मतलब है धरती के ऊपर, धरती के ऊपर सब तो उच्ची जिहड़ी पहाड़ी चोटी है वो Mount Everest है। ते यह sea level तो समुद्री तल तो 29028 फुट उच्ची है। For many people, reaching Mount Everest peak is a once-in-a-lifetime achievement. बहुते लोगों के लिए Mount Everest चोटी पीक होंदी है बेटी, चोटी बिल्कुल जड़ा शिखर होंदा है। मैं तुहानू दिखाउनी है बेटा, this thing is called peak, ठीक है। पीक जड़ी बिल्कुल उत्ते जाके जड़ा शिखर होंदा है, उन्हों आपा पीक कहने हैं, ठीक है। तो Mount Everest की चोटी के उपर, Mount Everest के शिखर के उपर पहुँचना बहुते लोगों के लिए जिंदगी की एक बहुत वड्डी प्राप्ति, वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिंदगी की एक बहुत वड्डी प्राप्ति होंदी है। दिस काइंड ऑफ फीट रिक्वायर्स ह्यूज फंड्स। ते इदां दी जिहड़ी जो काम है, इदां जो अचीवमेंट है, उहदे लई बहुत सारे पैसे चाहीदे ने, ह्यूज फंड्स, पैसा चाहीदा है। वेरी टफ ट्रेनिंग, बहुत सख्त मेहनत करनी पैंदी है, एंड अ वेरी गुड लक ते नाल किस्मत भी चंगी होनी चाहीदी। The first people to stand on the top of Everest were a local climber Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary, a mountaineer from New Zealand in 1953. The Mount Everest de upar jaan wale jo pehle climber si oh si Tenzing Norgay, theek hai, aur dusre da naam hai Sir Edmund Hillary jo ke New Zealand da ek mountaineer si। ते पहली बार माउंट एवरेस्ट के उपर 1953 के टेंजिंग नॉर्गे ते सर एडमंड हिलेरी ने पैर रखिया। सिंस देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव अचीव दिस फीट। उस तो बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ नू अचीव कर चुके नेंगे। सम ऑफ दैम आर फ्रॉम इंडिया टू, इन्हां दे विचों कुछ इंडियंस भी हैगे ने, इंडिया के भी लोग हैगे ने जिन्हां ने माउंट एवरेस्ट नू सर किया। द फर्स्ट इंडियन टू समिट Mount Everest was Captain Avtar Singh Chima, 1933 to 1989 on May 20, 1965. पहला इंडियन माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़न वाला कैप्टन अवतार सिंह चीमा है। तो ये जिहड़ा लिखे ना बेटा ब्रैकट के, जो भी किसी नेम के नाल ब्रैकट के ईयरस लिखे होन तो उहदा मतलब होंदा बेटे 1933 बॉर्न, इत्थे उन्हां दा बर्थ होया, जन्म होया 1933 दे विच, उन्हां दी डैथ हुई 1999 दे विच, 1989। जदों भी किसी परसन दा नेम लिखिया होवे उहदे नाल ब्रैकट दे विच दो ईयरस लिखे होण तां उहदा मतलब इही हुंदा हैगा, उहदा बर्थ ते डैथ ईयर लिखे हुंदे ने। तां कैप्टन अवतार सिंह चीमा ने माउंट एवरेस्ट दी चोटी नूं सर कीता मे 20, 1965 दे विच। ही वॉज अ कैप्टन इन द 7th BN पैराशूट रेजिमेंट एट दैट टाइम। उस वक्त वह 7th BN पैराशूट रेजिमेंट, क्योंकि एक मिलट्री परसन हैगा तो उन्होंने जो पैराशूट रेजिमेंट का नाम लिखा हुआ 7th BN, उस वक्त वह इस रेजिमेंट के कैप्टन से। लेटर ही वॉज प्रमोटड टू द पोस्ट ऑफ अ कर्नल।
उस तो बाद उन्होंने बेटे कर्नल बना दिता गया। ही वॉज ऑलसो द 16th परसन इन द वर्ल्ड टू स्केल द पीक। तो जे आप दुनिया के देखिए दुनिया के दे रैंक 16वां आता है। इंडिया के रैंक पहला है तो पूरे वर्ल्ड के रैंक है 16वां। He was a part of third Indian expedition led by Commander M.S. Kohli and others. भारत की जड़ी तीजी टोली गई माउंट एवरेस्ट के उपर उदे विच यह कैप्टन अवतार सिंह चीमा सी ते इन्हां दा कमांडर सी M.S. Kohli. Kohli was an officer in the Indo-Tibetan border police. Kohli जो सी वह Indo-Tibetan border police दा एक officer सी। Both Chima and Kohli were felicitated by the Indian government with Arjuna Award. ते उन्हां दी इस प्राप्ति दे लई चीमा अते कोहली दोहां नूं भारतीय सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड दिता गया। They also received Padam Shri and Padam Bhushan respectively. ते इस तों बिना उन्हां नूं Padam Shri मिलिया ते Padam Bhushan मिलिया। Padam जदों respectively वर्ड लिखिया हुंदा है बेटे उहदा मतलब इह हुंदा है, देखो इत्थे दो अवार्ड लिखे ने Padam Shri ते Padam Bhushan, उपर दो नाम आए ने चीमा ते कोहली। तां पद्म श्री अवार्ड किनू मिलिया चीमा नू, पद्म भूषण किनू मिलिया कोहली। कोहली वॉज ऑलसो गिवन निशाने खालसा बाय द पंजाब गौरमेंट। कोहली नू पंजाब गौरमेंट ने, पंजाब सरकार ने निशाने खालसा का खिताब भी दिता। अ पोस्टेज स्टैंप वॉज डेडिकेटेड टू द सक्सैस ऑफ 1965 एवरेस्ट एक्सपीडिशन। आ बेटी एक डाक टिकट होंगी है कि यो टिकटा होंगे जिन्हें चिट्ठिया पत्र के उपर लगदिया ने। 1965 की जी एवरेस्ट मुहिम सी समर्पित एक डाक टिकट भी कढ़ी गई जिदे उपर कोहली ते चीमा की फोटो लगाई गई। क्लाइंबिंग एवरेस्ट पीक इज नॉट फॉर अनट्रेनड माउंटेनियर्स। एवरेस्ट पीक के उपर चढ़ना अनट्रेनड माउंटेनियर्स का काम नहीं है, मतलब कि ये ट्रेनिंग चाहिए। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, यह बेहद अत्यंत खतरनाक मुहिम है। द ट्रैक टू द समिट पीक ऑफ एवरेस्ट टेक्स मंथ्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड वीक्स ऑफ एक्लाइमेटाइजेशन एंड एडजस्टिंग टू द फिजिकल कंडीशंस। जो ट्रैक हैगा पीक के उपर, जो शिखर के उपर चढ़न का जो ट्रेनिंग हैगी, ये कई कई महीनों की फिजिकल ट्रेनिंग होंगी हैगी और कई कई हफ्तों की फिजिकल ट्रेनिंग होंगी हैगी जिदे विच कि क्लाइमेट दे नाल एडजस्ट। ये जिहड़ा वर्ड है बेटी एक्लाइमेटाइजेशन, ये क्लाइमेट वर्ड तो बने हैगा। क्लाइमेट वर्ड जिहदा मतलब हुंदा हैगा वातावरण। तो ये हैगा कि जो माउंट एवरेस्ट का वातावरण है उहदे विच एडजस्ट करना सीखना पैंदा हैगा, क्योंकि जिवें जिवें असीं पहाड़ां दे उपर जाने उपर ऑक्सीजन की कमी होंदी जाती हैगी, उत्थे दा वातावरण होर हुंदा हैगा, बर्फ के तूफान आउंदे नेगे। तो उदा माहौल दे विच, उदा दे वातावरण दे विच अपने आप नू फिजिकली एडजस्ट कर लेना, इस चीज़ नू कहा जाता है। क्लाइंबर्स नीड टू गैट यूज टू द ऑक्सीजन स्टार्वड हाइट्स ऑफ द माउंटेन। क्लाइंबर्स नू बेटे इस चीज़ की आदत पानी पैंती है कि जिवें जिवें उपर चढ़िया जाएगा ऑक्सीजन जिहड़ी है घटती जाएगी। द रूट बिटवीन 26,000 एंड 29,020 फीट इज कॉल्ड द डैथ जोन। 26,000 तो लैके 29,020 तक की जिहड़ी फुट तक की जिहड़ी उचाई हैगी, ठीक है, उन्होंने डैथ जोन कहा जाता है, उन्होंने मौत की घाटी कहा जाता है। एट दिस हाइट द बॉडी कैन नॉट गैट इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस उचाई के उपर शरीर नू प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिगन्स टू डाई मिनट बाय मिनट। हुण आपां नू बेटे ऑक्सीजन ना मिले तो की है, सह औखा आने लग पैंदा है, सह औखा आउंदा हैगा तो अपनी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस जोन नू बेटा डैथ जोन कहा जाता है। तो इस हाइट के उपर बॉडी नू इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो शरीर पल पल करके मरना शुरू हो जाता है। दिस डिस्टेंस मस्ट बी कवर्ड इन लैस दैन अ डे। इस डिस्टेंस नू, आ जिहड़ा डिस्टेंस है 26,000 तो लैके 29,020 दा, मतलब की है कि अराउंड 3,000 तो उपर है, 3,000 फुट की जिहड़ी चढ़ाई है इनू एक दिन दे विच कवर करना पैंदा है टू अवॉयड डैमेज टू द बॉडी, ताकि शरीर नू कोई नुकसान ना हो। इन स्पाइट ऑफ सच डेंजर्स, भावें कि बहुत ज़्यादा खतरे ने, मरण तक का खतरा हैगा, नंबर ऑफ क्लाइंबर्स टू माउंट एवरेस्ट हैज़ बिन इनक्रीजिंग, पर माउंट एवरेस्ट के उपर जाण वाले जिहड़े क्लाइंबर्स ने उन्हां दी गिणती हर साल वधदी जा रही है। इट हैज़ इनक्रीज्ड सो मच दैट द क्लाइंबर्स हैव टू वेट फॉर आवर्स फॉर देयर टर्न टू स्टैंड अटॉप द पीक। गिणती क्लाइंबर्स की इन्नी क ज़्यादा वध चुकी हैगी
कि जिहड़े पहाड़ चढ़न वाले ने उन्हां नूं कई कई घंटे वेट करनी पैंदी हैगी कि उन्हां दी जदों वारी आएगी पहाड़ी दे शिखर दे उपर खड़न वास्ते, उन्हां नूं किन्ना किन्ना चिर वेट करनी पैंदी हैगी कि कदों उपरों थोड़ी बहुत जगह खाली होवे ते असीं पहाड़ी दे शिखर दे उपर जाके अपने देश दा झंडा जो है फहरा सकीए। दिस एक्सट्रा टाइम इन द डेथ जोन ऑलसो इनक्रीजिज द डेंजर। हुण इह जिहड़ा इह एक्सट्रा टाइम, इक तां बेटे उह इन्ना चढ़ के आए ने चढ़ाई, ठीक है, पहुँच गए, पर पहुँच के भी कई कई घंटे उन्हां नूं वेट करनी पैंदी है उपर शिखर तक जाण वास्ते। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡੈਟਰ ਦੇਅਰ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। स्टूडेंट्स, आई होप कि तुहानू समझ आया होएगा चैप्टर। थैंक यू सो मच।